بسم الله الرحمن الرحيم فائدة وإذا علمت ما ذكرنا أن النظريات مطلقا تصوريا كانت أو تصديقيا مفتقرة إلى نظر وفكر فلا بد لك أن تعلم معنى النظر فأقول النظر في اصطلاحهم عبارة عن ترتيب أمور معلومة ليتأدى ذلك الترتيب إلى تحصيل المجهول إذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغير العالم وحدوث كل متغير وتقول العالم متغير وكل متغير حادث فحصل لك من هذا النظر والترتيب علم قضية أخرى لم يكن حاصلا لك قبل وهي العالم حادث. ये जो इबारत है इस इबारत में कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस मुसन्निफ ने तारीफ क्या हुई बनाती का इस्तिलाह में चंद उमूरे मालूमा को तरतीब देना चंद उमूरे मालूमा को तरतीब देना क्यों तरतीब दिया जाएगा ताकि उससे कोई मजहूल चीज़ मालूम हो जाए जो चीज़ अभी तक हमें मालूम नहीं थी वो मालूम जो चीज़ हमें अभी तक मालूम नहीं थी वो मालूम आगे बात समझ में तरतीब किसको कहेंगे तरतीब के लुगवी मान आते हैं हर चीज़ को मर्तबे में रखना हर चीज़ को उसके मर्तबे में रखना मन मनातिका की इस्तिलाह में तरतीब किसको कहते हैं तरतीब कहते हैं चंद उमूर को इस तरह से रखना कि कुछ मुकद्दम हूँ और कुछ मुअख्खर हूँ कुछ मुअख्खर हूँ और कुछ मुकद्दम हूँ बाज़ चीज़ें मुकद्दम ज़ाहिर बात है जब आप कुछ चीज़ों को जमा करेंगे तो एक साथ तो आ नहीं सकती कुछ चीज़ें पहले आएंगी कुछ चीज़ें बाद में आएंगी इसी का नाम है तरतीब इसी का नाम क्या है तरतीब उसका एक तरीका तरतीब का एक तरीका है मिसाल के तौर पर तसव्वुरात हैं बहुत सारे आपके पास में तसव्वुरात हैं अब आप उनको एक साथ जमा करना चाह रही हैं तो उसकी एक तरतीब है मुस्तकिल एक कायदा है उसके लिए क्या है कि आपके पास में मिसाल के तौर पर जिन्स भी है आपके पास में फसल भी है या आपके पास में खासा भी है तो उसकी एक तरतीब है कि आप जब सबको जमा करेंगे तो जिन्स को पहले लेकर के आएंगे जिन्स को पहले लेकर के आएंगे उसके बाद में फसल या खासे को लेकर के आएंगे ये एक तरतीब होती है इसका उल्टा नहीं लाएंगे आप इसका उल्टा नहीं लेकर के आएंगे या तस्दीक है क्या है तस्दीक है और तस्दीक में आपको कुछ चीज़ों को जमा करना है तो सुगरा जो है उसको पहले लेकर के आएंगे कुबरा है उसको बाद में लेकर के आएंगे फिर उसको जोड़ेंगे जब इसको जोड़ते हैं हम तो फिर इस जोड़ का भी एक नाम होता है जैसे मिसाल के तौर पर ये किताब हमारे पास है इसके अलग अलग वर्क है ये तो इनको जोड़ा तो एक नाम इसका इनको जोड़ा तो एक नाम इसका बना है ऐसे ही बहुत सारे तसव्वुरात हैं उनको आप जोड़ें और उनसे कोई तीसरी चीज़ हासिल हमें हो रही है तो उन तसव्वुरात के मजमुए को हम कहते हैं मुआरिफ क्या कहते हैं मुआरिफ और कौले शारे या तस्दीक है बहुत सारी उनको आप जोड़ रही हैं और उनसे कोई तीसरी चीज़ हमें मालूम हो रही है तो ऐसी तस्दीक को कहते हैं दलील और हुज्जत बहरहाल ये तो एक जायद चीज़ है असल ये चीज़ समझो कि नज़र व फिक्र कहते हैं किसको चंद उमूरे मालूमा को तरतीब देना यानी कुछ चीज़ें हमें मालूम हों पहले से उनको हम तरतीब से रखें तरतीब से कैसे जैसा कि मैंने बताया कि अगर तसव्वुरात हैं वो चंद चीज़ें तो पहले जिन्स रखा जाएगा फिर फसल को या खासे को लेकर के आएंगे और दूसरी चीज़ों को लेकर के आएंगे या अगर वो चीज़ें तसव्वुर नहीं है बल्कि तस्दीक हैं तो पहले सुगरा को लेकर के आया जाएगा बाद में कुबरा को लेकर के आ जाएगा फिर उनको मिलाया जाएगा ये एक तरतीब है तो उमूर मालूमा को तरतीब देने का नाम क्या है नज़र क्या नाम है इसका नज़र फिक्र है फिर मुसन्निफ ने इसको बाज़ाब्ता समझाया है आगे चल करके देखिएगा पहले इसको फ़ाकुलू मैं कहता हूँ अन्नज़रु फ़ी इस्तिलाहिहिम के नज़र मनातिका की इस्तिलाह में नाम है उमूर मालूमा को तरतीब देने का लियतअद्दा ज़ालिक अत्तरतीब इला तहसीलिल मजहूली ताकि पहुँचा दे वो तरतीब मजहूल के हासिल करने की तरफ मुसन्निफ ने इज़ा रतबता से इसको मिसाल से जैसे मैंने पीछे कल मिसाल दी थी अल आलम हादिसुन आलम हादिस है अब आपको इसकी दलील मालूम करनी है तो कैसे करेंगे चंद उमूर मालूमा को
तरतीब दिया जाएगा चंद्रमा ने मालूमा को तरतीब कैसे तरतीब दिया जाएगा। आपको ये बात मालूम है कि इस दुनिया के अंदर तगैयुर होता है, इस दुनिया के अंदर तगैयुर और तब्दीली आती रहती है, आती है हरा भी जानता है। और ये भी आपको मालूम है कि जिस चीज़ के अंदर तब्दीली आती है वो हादिस होती है, वो हादिस होती है, फना होने वाली है। अब आपको दोनों चीज़ें मालूम, आपको दोनों चीज़ें ये मालूम है। अब आपने इसको तरतीब दिया, सबसे पहले आप लेकर के आए अल आलम मुतगैरुन के आलम के अंदर तब्दीली होती रहती है। व कुल्लु मुतगैरिन हादिस, ये भी आपको मालूम था ना पहले से कि हर मुतगैर चीज़ हादिस से फना होने वाली होती है। अब दोनों को आपने मिला दिया, नतीजा क्या निकला, अल आलम हादिसुन के आलम हादिस, आलम हादिस। तो दो चीज़ें जो आपको पहले से मालूम थी, जब आपने उन दोनों चीज़ों को मिलाया, उन दोनों चीज़ों को मिलाया, तो उन दोनों के मिलाने से तीसरी चीज़ का इल्म आपको हासिल हो गया, और वो तीसरी चीज़ का है आलम का हादिस होना, आलम का हादिस होना। आगे बात समझ में, या जैसे अस्तान मौजूद, ये मिसाल दी थी इन्होंने तस्दीक नजरी की, तस्दीक नजरी की, ये आज के सबक में मिसाल नहीं है, कल के सबक में मिसाल थी, इसको भी समझने जैसे कि साने जो है मौजूद है, साने यानी बनाने वाला मौजूद है, बनाने वाला मौजूद है, इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है आप मालूम करना चाहें, तो उमूरे मालूमा जो चंद मालूम चीज़ें आपको तरतीब देनी पड़ेगी, चंद मालूम चीज़ें आपको तरतीब देनी पड़ेगी। कैसे कैसे तरतीब देनी पड़ेगी, अस्सानिहु मुअस्सिरुन फिल मस्नूई, अस्सानिहु मुअस्सिरुन फिल मस्नूई, बनाने वाले का असर, बनाने वाले का असर जो है वो बनी हुई चीज़ों में होता है, बनी हुई चीज़ों में, भाई कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो बनाने वाले के असर से चल, बनाने वाले के असर से ही तो चल रही है, बनाने वाले का अगर असर उसके अंदर नहीं होगा, वो असर नहीं डालेगा तो चीज़ चलेगी नहीं, वो चीज़ चलेगी नहीं। तो एक चीज़ हमें मालूम थी कि बनाने वाले का असर जब तक बनी हुई चीज़ में ना हो वो चीज़ चल नहीं सकती, ये हमें मालूम, ये हमें मालूम है। और ये भी हमें मालूम है कि ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ चल रही है, तो इससे पता क्या चला कि बनाने वाला भी है, बनाने वाला भी तो है, क्यों, अगर बनाने वाला मौजूद नहीं है तो असर कैसे है उसका, उसका असर कैसे है। आगे बात समझ में, तो असाने वो मौजूद, उनकी हमें दलील बनानी हो, पता करना हो कि असाने मौजूद है, इसकी दलील क्या है, तो हम जो चीज़ हमें मालूम है क्या, असाने मुअस्सिरुन फिल मस्नू, बनाने वाला असर डालता है मस्नू में, बनी हुई चीज़ में, वल मस्नू मौजूद, मस्नू मौजूद है, बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं, नतीजा क्या निकला, असाने वो मौजूद, बनाने वाला भी मौजूद है। तो मालूम चीज़ें हैं उनको हमने तरतीब दिया, तो एक नामालूम चीज़ हमें हासिल है। आगे बात समझ में, इधर रतब तक देखो, जब आपने तरतीब दिया अलमालूमात हासिल अलग, उन मालूमात को जो आपको पहले से हासिल थी, मिन गैर तगैयुर आलम, यानी आलम का मुतगैयर होना, आलम का मुतगैयर होना, व हुदूसु कुल्लु मुतगैयरिन, और हर मुतगैयर का हादिस होना, हर मुतगैयर का हादिस होना, तक्व तकूलु, और आप कहें, यानी ये दोनों चीज़ें आपको मालूम हैं और दोनों को मिला कर के बात कहें, क्या कहें, अल आलम मुतगैयरुन व कुल्लु मुतगैयरिन हादिस, ये दोनों चीज़ें आपने मिला करके कह दी, فحصل لك من هذا النظر, तो हासिल हो गई आपको इस नज़र और तरतीब से क्या, इल्म क़ज़ियत अख़्र, हासिल हो गया आपको दूसरे क़ज़िये का इल्म, लम यकुन हासिल लक क़ब्ल, जो आपको अभी तक हासिल नहीं था, जो आपको अभी तक हासिल नहीं था, वही है, और वो इल्म क्या है, अल आलम हादिस, वो ये है कि आलम हादिस है, आलम हादिस हादिस। तो आगे बात समझिए इसमें, तो इस इबारत में मुसन्निफ़ ने क्या समझाया है, सिर्फ नज़र व फ़िक्र की तारीफ़, ये नज़र व फ़िक्र को समझाया है कि नज़र व फ़िक्र की तारीफ़ की है, नज़र व फ़िक्र किसको कहते हैं, तो नज़र व फ़िक्र कहते हैं चंद उमूर मालूमा को तरतीब देना ताकि उनके ज़रिए से मजहूल तक पहुँचा जा सके, नामालूम चीज़ को हासिल किया जा सके। फिर मुसन्निफ़ ने उसको एक मिसाल से समझाया, एक मिसाल से समझाया है कि हमें मालूम करना है आलम हादिस है, आलम हादिस है, तो हमें ये मालूम करना है, तो इसके लिए हमने कुछ चीज़ें जो हमें मालूम थी आलम के ताल्लुक से उनको लिया, हमें ये मालूम था कि आलम के अंदर तगैयुर होता है, आलम के अंदर तगैयुर होता है, तो हमने उसको लिया, उसको बनाया हमने सूरा और कह दिया अल आलम तगैयुरुन, क्या कह दिया, अल आलम तगैयुरुन। हमें ये भी मालूम था कि हर तगैयुर वाली चीज़ फना होती है, हर तगैयुर वाली चीज़ फना होती है, तो इसको भी हमने लिया, इसको दूसरे नंबर पर रख दिया और कह दिया वकुल्लु मुतगैयिरिन हादिसुन, वकुल्लु मुतगैयिरिन हादिसुन।
तो एक नामालूम चीज हमें हासिल हो गई कि आलम जो है वो आलम हादिस है। इन दोनों का नतीजा क्या निकला? अल आलम हादिस, आलम हादिस। देखो तर्जुमा देखो एक बार और, वाइदा आलिम तबादा करना, जब आपने जान ली वो बात जो हमने जिक्र की कि नज़रियात मुतलकन तसव्वुरी हों या तस्दीकी हों, मुहताज होती हैं नज़र व फिक्र की, यानी तसव्वुर नज़री हो या तस्दीक नज़री हो नज़र व फिक्र की मुहताज होती है, फला बुद्दा लगा, तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप जाने नज़र के माना को। तो मैं कहता हूँ कि नज़र मनातिका की असलाह में नाम है उमूर मालूमा को तरतीब देने का, लिए तअद्दा ज़ालिका तरतीब इला तहसीरिल मजहूली, ताकि पहुँचा दे वो तरतीब मजहूल के हासिल करने की तरफ। जब आपने तरतीब दिया उन मालूमात को जो आपको हासिल थी, यानी आलम का तगैर मुतगैर होना, वकुल वहदूस कुल्लु मुतगैर, और हर मुतगैर का हादिस होना, और आप कहें अल आलम मुतगैर वकुल्लु मुतगैर हादिस, فحصل لك من هذا النظر، تو حاصل ہو گیا آپ کو اس نظر اور ترتیب سے علم قضیۃ اخرى، دوسرے قضیے کا علم، لم یکن حاصل لك، جو آپ کو حاصل نہیں تھا قبل اب تک، قبل کے معنی اب تک، وہی اور وہ کیا ہے العالم حادث، عالم حادث، بس اتنا ہی یاد کیجیے گا، بہت چھوٹا سا سبق ہے اور بہت مختصر ہے، لمبا نہیں ہے، یاد نہیں کرو گے تو बाजी आई है।